सत श्री अकाल स्पीड न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब दा लुधियाना जिला भारत के सब तो वध प्रदूषित शहरों चो एक है। सूची दिल्ली सब तो अगे फरीदाबाद ते नोएडा दा नंबर आउंदा है। जानकारी केंद्रीय वातावरण जंगलात जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यसभा च दित्ती। आंध्र प्रदेश तो राज्यसभा मैंबर परिमल नाथवानी ने भारत के चोटी के भी प्रदूषित शहरों से उन्हां दी ग्लोबल प्रदूषण रैंकिंग बारे पुछया। केंद्रीय मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवा की गुणवत्ता सुधारने लिए राष्ट्रीय स्वच्छ हवा प्रोग्राम के तहत पछाणे गए 131 गैर प्राप्ति से मिलियन तो वध शहरों की सूची प्रदान की। केंद्रीय वातावरण मंत्रालय ने 131 शहरों च हवा की गुणवत्ता सुधार लिए राष्ट्रीय स्वच्छ हवा प्रोग्राम के तहत फंड भी अलॉट किए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भारतीय हाकी टीम उत्साहित करने लिए एक दो दिन पैरिस का दौरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। दस दिए कि भारतीय हाकी टीम भी जसदार खिलाड़ी पंजाब ने टीम 4 अगस्त ओलंपिक में अपना पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। दरअसल मुख्यमंत्री अजे भी दिल्ली में विदेश मंत्रालय तो सियासी मंजूरी की उड़ीक कर रहे हैं। मंजूरी उच्च पदरी सियासी आगुआ की यात्रा लिए लाजमी शर्त है। एक निजी चैनल विशेष गलबात दौरान मान ने कहा कि वह 3 अगस्त की रात में पैरिस जाना चाहते हैं ताकि अगले दिन भारतीय हाकी टीम का मैच देखने समय सिर पहुंच सकन। कांग्रेस ने पंजाब के साबका उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर तो लोकसभा चोणां जितने मगरों अहम जिम्मेवारी सौंपी है। कांग्रेस पार्टी वालों सुखजिंदर सिंह रंधावा जम्मू ते कश्मीर के विधानसभा चोणां लिए उम्मीदवार चुनने वास्ते बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन लाया। उन्होंने इस जिम्मेवारी लिए राहुल गांधी का उचेचा धन्यवाद किया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके एक स्कूल को धमकी भरी ईमेल मिली है। इस ईमेल में स्कूल को डाउन की धमकी दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इसकी पुष्टि करते कहा कि ईमेल में लिखा है कि स्कूल में बंब लाया गया है। हालांकि हुण तक की जांच बिल्कुल सामने नहीं आया। इस संबंधी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ईमेल दोपहर 12:30 बजे भेजी गई पर जो स्कूल प्रशासन ने ईमेल देखी तो पुलिस ने उसकी सूचना दी गई। इस बाद पुलिस तुरंत हरकत च आई थी। स्कूल को खाली करवा के जांच शुरू कर दी गई। पंजाब के लिंग अनुपात में 2 अंकों का सुधार होया। सेहत विभाग अनुसार 2022-23 पंजाब में प्रति हज़ार मर्दा पिछे 916 औरतों सन। यह अंकड़ा 2023-24 918 तक पहुंच गया। सूबे के 14 जिलों से बड़ा सुधार देखे गए जदों की 9 जिलों से लिंग अनुपात में गिरावट आई है। 2022-23 की लिंग अनुपात रिपोर्ट से मोहाली 963 अंकों नाल सूबे चोटी पर सी पर 2023-24 यह 13वें स्थान पर खिसक गया। संगरूर दूजे स्थान तो 18वें पर आ गए। संगरूर की टीमों ने लुधियाना च स्टिंग से छापेमारी जारी रखी जदों की इसका अपना जिला 16 स्थानों पर खिसक गया। गुजरात में हुण तक वायरल बुखार के करीब 140 मामले सामने आ चुके हैं जिन्हों 52 मामलों का कारण चांदीपुरा वायरस रहा। सेहत विभाग ने दसिया कि इस वायरस के कारण हुण तक 58 लोगों की मौत हो गई। विभाग ने एक रिलीज से कहा कि गुजरात के वख-वख हिस्सों में वायरल बुखार नाल पीड़ित 140 लोगों चो 58 मरीजों की मौत हो गई जदों की 25 का इलाज जारी। इस तों इलावा 57 लोगों को हस्पताल से छुट्टी दी गई है। जिन्हों जिलों में चांदीपुरा वायरस के सब तो वध मामले पाए गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के लाहौर च मानसून दौरान एक बार सब तो ज्यादा बारिश का 44 साल पुराना रिकॉर्ड टुट गया। इस कारण सड़कों घर तक सरकारी हस्पतालों पानी भर गया जिस कारण 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने दस कि अगले कुछ दिनों च होर मीह पैण की संभावना। अधिकारियों ने मंगला में झेलम नदी हड़ आने की चेतावनी दी। सूबाई आफत प्रबंधन अथॉरिटी के बुलारे मजहर हुसैन अनुसार मानसून दौरान एक दिन में सब तो वध बारिश का 44 साल पुराना रिकॉर्ड टुट गया जदों लाहौर हवाई अड्डे के खेत्र में सब तो वध 337 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। केरल च भारी मीह कारण जनजीवन प्रभावित हो रहे। केरल के वायनाड च पहला ही तबाही हो चुकी। इतने जमीन खिसकन कारण हुण तक 308 लोगों की जान जा चुकी। छुट्टी का ऐलान उदों होया जदों केरल मौसम विभाग ने वायनाड जिले च बारिश का संतरी अलर्ट जारी किया। वायनाड लैंडस्लाइड नूं पहला ही वड्डे पद्धर ते जमीन खिसकन का सामना करना पै रहा है। 2 जमीन खिसकन कारण हुण तक 308 लोगों की मौत हो चुकी। उत्तराखंड च केदारनाथ धाम जाने वाली तीर्थ मार्ग से बदल फटने कारण हजारा श्रद्धालु फंस गए हैं। प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। एक बार फिर रिनचौनी तो बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। केदारनाथ धाम च फंसे यात्रियों को बचाने लिए चिंकू हैलीकॉप्टर की मदद ली गई। गौरीकुंड रोड से लगातार पत्थर डिगण नाल बचाव कार्य पैदल शुरू नहीं हो सके। श्री केदारनाथ यात्रा रूट से फंसे यात्रियों को बचाने लिए SDRF उत्तराखंड के जवानों ने देर रात तक बचाव कार्य चलाया। इस दौरान मुनकटिया खेत्र तो 450 यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया गया। हुण तक 2200 तो वध यात्रियों को बाहर कढ़िया जा चुका है। DIG वैभव कृष्णा ने लंबे समय तो भगौड़े अपराधियों लिए 50,000 रुपये का इनाम का ऐलान किया। इस मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा समेत इलाके के 15 अपराधी शामिल ने। इस आजमगढ़ मऊ तो बलिया के 5-5 अपराधी शामिल ने। DIG ने संबंधित थाने जल्दी गिरफ्तारी के निर्देश दिए ने। DIG ने गाजीपुर जिले के मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा मऊ जिले के दक्षिण टोला थाने एक गैंगस्टर मामले च भगौड़ा होने का ऐलान किया। पंडौर डैम तो पानी छड़े नाल ब्यास दरिया के पानी का पद्धर बढ़ गया। पंडौर डैम तो प्रति सैकंड 82,000 क्यूसिक पानी छड़े गए। इस तो पहला डैम तो 1,00,000 क्यूसिक पानी प्रति सैकंड छड़िया जा रहा है। इस कारण नदी का पानी पंच वक्त महादेव मंदिर तक पहुंच गया। ब्यास दरिया ने अपना भयानक रूप दिखाए। नदी कंढे रहने वाले लोगों को चौकस रहने लिए कहा गया। हालांकि कुछ समय बाद नदी के पानी का पद्धर घट गया जिस कारण लोगों ने सुख का सांह लिया। उधर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह एक बार फिर शिमला सिद्धू सूबा सकत्रेत विखे पहुंचे हुए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने नीट प्रीख्या पेपर लीक मामले च अपनी पहली चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसी ने 13 लोगों को दोषी बनाया। सीबीआई वालों दाखिल चार्जशीट में नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादविंदर, आशुतोष कुमार एक, रोशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार टू को मुलजम बनाया गया। इसके अलावा अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, शिवनंदन कुमार और आयुष राज के नाम भी मुलजमान की सूची में शामिल। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इतना ही, मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद।